नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड कलेक्टर ने अपना लाइसेंसी शस्त्र जमा किया। कलेक्टर ने जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी नागरिकों से अपने शस्त्र संबंधित थाने में शीघ्र जमा कराने अपील की। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 5 दिसंबर 2023 तक निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने सिटी कोतवाली भिंड पहुंचकर अपना लाइसेंसी शस्त्र जमा किया। उन्होंने जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी नागरिकों से अपील कर कहा है कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारी नागरिक अपने अपने शस्त्र संबंधित थाने में शीघ्र जमा करा दें। समस्त आर्म्स लाइसेंसी शस्त्र धारक संबंधित थानों के साथ साथ वैध आर्म्स डीलर की सेफ कस्टडी में अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। जमा करने आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सर जिलेवासियों के लिए? जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी हथियार जमा करा दिए जाएं। इसी क्रम में मेरे पास जो 12 बोर बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको मैंने यहाँ कोतवाली थाने, भिंड कोतवाली थाने में जमा कराया है। और अन्य सभी से मेरा आग्रह है कि अपने शस्त्र जल्दी से जल्दी जमा करा दें। कोई निर्धारित सर तारीख कर दी गई है? देखिए, निर्धारित अवधि बीत चुकी है, इसलिए अब बिना विलंब किए तत्काल सभी को अपने अपने हथियार जमा करा देने चाहिए। जो सर बाहर के हथियार लाइसेंसधारी है उनके लिए क्या गाइडलाइन? बाहर के लाइसेंसधारी जिनकी यहाँ एंट्री नहीं हुई है उनके लिए भी आदेश निकल चुका है कि वो भी अपना शस्त्र जमा कराएं। क्योंकि ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण होगा कि यहाँ के लाइसेंसधारी की हम शस्त्र जमा कराएं और बाहर का लाइसेंसधारी यहाँ शस्त्र लेकर घूमें, इसलिए उनको भी तत्काल अपना शस्त्र जमा करा देना चाहिए।